तुझ में अपनी जान रख दे, सरदार याद कर लो जब तक इसकी दिल की प्यास नहीं बुझाऊंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरी माँ और मेरे बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे गांव तक चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है, आओ मेरे साथ।
तेरी बहनी बता दे बे तुमका वकील गाली दे देबे की का बता दे हा हा जी चले कसम भगवान के आई बे 5-6 लाख तुम्हें मार दे अबे मुंह घुस जात के ना घुस जात और इधर ठाकुर बाबू गुजर सरदार बाबू गुजर बैठा है और विक्रम बहुत रहा है भी देखिए सरदार से क्या बातचीत हो रही है वो आप लोग देखे हमको दुगाल लगावा सारे जहान में के छूटे बाबू गुजर के लाभ हम यानी कि खंभा हो ठाड़ हो उनके का पता लड़ गया सरदार ये आज दिन हो गए और विक्रम दिखाई नहीं दिया अरे विक्रम आ रहा है वो देखो जय मां भवानी जय मां खटखट ये कौन सी देवी मैं खटखट का पूजा करता हूँ देखो ये खटखट की देवी की माँ है अरे तो माँ डालता है सरदार कहिए सरदार कहिए क्या करना चाहती विक्रम जितना रहेंगे उसको माँ डालेगा विक्रम और किसने किया मेरा पीछा मेरा पीछा करके किसने किया मैं उसको उसे मेरे तक वो सब नहीं आत्मा भूखी है कोप की भूख है महाजन और सभी खौफ से आप ही आप डर करके मर जाते हैं तो कहा विक्रम हौसला सरदार कहिए विक्रम के अंदर जितने भी पुलिस वाले हैं हर एक पुलिस हमारे पीछे पड़े लेकिन कामयाबी में वो पास नहीं हुए ऐसे ही होना चाहिए अब कल जब तक हमारा जो मौजूद है यूपी की पुलिस का चाहे वो कहीं की पुलिस आ जाए ऐसा ही होगा सरदार आज दिल कहता कहीं चल के डाला जाए आस रही ही इस अड्डे को कुछ किया जाए पुलिस को खबर हो चुकी है क्या इस अड्डे से कुछ करके किसी दूसरे अड्डे पे चलेंगे चलिए आइए चलते हैं और इधर फूलन की माँ बैठी है और फूलन पहुंच रही है फिर देखिए अपनी बिटिया को समझा रही है कि जमाना बहुत खराब है बेटी तुम सयानी हो चुकी हो माँ और बेटी में बातचीत हो रही है फिर आगे देखिए क्या हो रहा है क्या बतला है मैंने फूलन को कितनी बार समझाया है कि टाइम से लकड़ी तोड़ करके घर आ जाया करो लेकिन मेरी बात सुनती नहीं है मेरा तो उलझन में है क्योंकि वो आई नहीं है माँ नमस्ते हाँ माँ मैं आ गई माता जी का है आपका चेहरा उदास है कुछ भी मुख से बोलिए फूलन तुम्हारे पास
हूँ।